जय हिंद, राम राम। स्वागत है आपका फिर से एक बार सेल्फ डिफेंस एकेडमी में। तो जो हमारी वीडियो है आज की, बहुत स्पेशल होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए या फिर उन लड़कों के लिए जो हैं, जिनकी भर्ती अभी रिसेंटली आने वाली है। तो आज अपन कुछ दो तीन चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो है रनिंग जो है अपनी इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में आपको अफर्ट मार के फालतू में अपनी बॉडी को इंजर्ड नहीं करना, क्योंकि भर्ती पास में इस समय अगर इंजर्ड हो गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ तो एक या दो एक्सरसाइज और लेग्स मजबूत करना। सबसे पहला काम अपने को आपको सबसे पहले आपको जो है आपका स्टेमिना इंक्रीज होना चाहिए। स्टेमिना अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से भाग पाओगे। और दूसरा अपन बात करेंगे जो अपनी बैक थाइस वगैरह, थाइस का जो प्रेशर रहता है वो। और एक बात करेंगे अपन फेस रनिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देती है अपने को रनिंग करने में। जिसकी जो फेस है, जिस भाई की भी फेस अगर मजबूत रहेगी तो अच्छी खासी रनिंग कर पाएगा। तो आफ्टर वर्कआउट आपको कुछ मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। जैसे एक इस तरह से आपको जो है हाइपर नहीं मारनी है, जैसे अपन नॉर्मल हाइपर नहीं मारते हैं, वो हाइपर नहीं मारनी है 20 की, और 10 आपको उसके साथ में स्क्वाड मारना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो फेस के लिए मैं बात कर रहा था, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जिनके साथ आप रनिंग करते हैं, आपको लगता है जो आपका फ्रेंड या आपका भाई जो अच्छी जिसकी रनिंग है अच्छी, उसका जिसका फेस है, आप कोशिश करें कि आप पूरे वीक के अंदर कम से कम एक या दो बार 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक आप उसके साथ फेस रनिंग जरूर लगाएं। फेस रनिंग लगाने से बेनिफिट्स जो होने होते हैं वो बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं अपने को। आपको एक लिमिट टाइम के अंदर, एक लिमिट समय के अंदर जो है अपने फ्रेंड्स को जो है पकड़ के चलना है, और उसके साथ अपने फेस रनिंग निकालनी, उसकी स्पीड से मेच्योरिटी बनानी है आपको। और ध्यान रहे कि फेस जितनी बिल्ड रहेगी उतना आपकी 1600 मीटर में इम्प्रूवमेंट होगा। इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने पिछली अपनी पिछली वीडियो में भी बात किया था। तो ये एक्सरसाइज जो है अपने लेग्स को, जो बैक थाई होती है अपनी, जो थाई प्रेशर्स होता है उसको बहुत मजबूत बनाती है। आपको इस चीज़ को अपने एक वर्कआउट में ऐड जरूर कर लेना है। और दूसरे जो है आफ्टर वर्कआउट, मतलब इसके बारे में बात करेंगे। मैं एक सही स्पेशल वीडियो बताओ। अलग से बना दूंगा ड्रिल्स के लिए, ठीक है। ये मैंने एक ड्रिल्स के लिए वर्कआउट बताई है जो आपको लगानी है, ताकि ये भी आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करके देगी। और एक जो ये एक्सरसाइज है आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करनी है, एक जंप मारना है, जंप के साथ ही आपको एक स्क्वाड मारना है, स्क्वाड के साथ ही आपको सीधे डाउन एक पुशअप्स मारना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।